हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप सबसे ये शेयर करने वाली हूँ पुष्प धनवा रस, जो कि आयुर्वेदिक मेडिसिन है। इसके बारे में आप सबसे मैं रिव्यू शेयर करूँगी। इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और ये बहुत ज़्यादा जाना माना एक औषधि है, और जो कि आयुर्वेदिक एक मेडिसिन है, बहुत ही जानी मानी औषधि है ये। इसका नाम काफ़ी फेमस है और ये बैद्यनाथ कंपनी का है, असली आयुर्वेद पुष्प धनवा रस। सो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल, पीसीओएस, पीसीओडी और महिलाओं की जितने भी मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और बेनिफिट है। और ये पुरुषों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, जैसे कि मेल में इनफर्टिलिटी होती है, स्पर्म की जो गिनती है वो काउंट है वो कम होते हैं, उनकी क्वालिटी ख़राब होती है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है ये। और ये काफ़ी बेनिफिट देगा आपको, तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा और उसके बिल्कुल मत कीजिएगा जी। तो आप इसको मेल हो या फीमेल हो, आप इसे कोई भी इसको अच्छे से कंज्यूम कर सकते हो। बात इसकी बस ये है, आपको अपने सिम्टम पता होने चाहिए, प्रॉब्लम्स पता होने चाहिए, आपको क्या प्रॉब्लम है उसी के अकॉर्डिंग आपको ये जो है मेडिसिन यूज़ करनी है। और आयुर्वेदिक है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं मिलेगा। आपको जो भी अगर आपकी प्रॉब्लम है, इसको आपको कम से कम 1 महीना 2 महीना ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आयुर्वेदिक दवाइयाँ थोड़ा सा टाइम लेती हैं में, लेकिन किसी हर किसी की बॉडी भी डिपेंड करता है, किसी किसी की बॉडी में जल्दी इफेक्ट आ जाता है। तो कोई भी ये क्वेश्चन मत कीजिएगा कि आपको कितने दिन लेना है कितने दिन नहीं लेना। कोई भी दवाई हो आपको कम से कम 2 या 3 महीने तो ज़रूर लेनी पड़ेगी, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो महिलाओं के लिए मैं आपको बता दूँ, अगर आप महिलाओं को पीरियड्स प्रॉब्लम है, टाइम से नहीं आता या कम आता है या बहुत ज़्यादा आता है या बहुत दिनों में आता है या महीनों महीनों तक नहीं आता, उसके लिए काफ़ी बेनिफिट है। क्योंकि पीसीओडी और पीसीओएस की प्रॉब्लम में हमेशा मेंस्ट्रुअल साइकिल ही गड़बड़ हो जाती है, तो उसके लिए ये मेडिसिन काफ़ी इफेक्टिव है। बात कर लेते हैं हम इसके नेट कंटेंट की, तो ये 5 ग्राम की होती है, छोटी सी एक शीशी है, जो कि इसकी 5 ईयर्स की शेल्फ लाइफ है। आप इसकी देख सकते हो, एक्सपायरी देखिए 5 ईयर्स तक की है, तो 2020 से लेकर 25 तक आपको इजीली आप उसको रख के यूज़ कर सकते हो, लेकिन कंटिन्यू लेना ही पड़ेगा आपको। MRP रुपीज़ इसकी 204 रुपीज़ है, जो कि थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन बेनिफिट मिलेगा आपको तो सारा पैसा वसूल हो जाता है। तो बैद्यनाथ कंपनी का है ये पुष्प धनवा रस, काफ़ी फेमस ब्रांड, वो फेमस औषधि है। तो इसके गुण हम देख लेते हैं। ये रस अत्यंत कम उत्तेजक, बेल बल वीर, खासकर ये पुरुषों के लिए है, जो कि आप देख सकते हो उनकी स्पर्म क्वालिटी, स्पर्म को बढ़ाने के लिए है। और इसकी मात्रा कैसे लेनी है आप यहाँ पे देख सकते हो, डोज लेने का जो तरीका है, 1 या 2 पिल लेनी है विद हनी और मिल्क, तो शहद के साथ या फिर दूध के साथ करना है। लेकिन अगर आप दूध के साथ लोगे तो ज़्यादा बेनिफिट है, दूध का भी फ़ायदा मिलेगा और इस जो है औषधि का भी फ़ायदा आपको मिलेगा। इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हम पढ़ेंगे, पहले इसको मैं ओपन करके आपको दिखा देती हूँ उसमें किस तरीके से होती है अंदर से। तो ये कुछ इस तरीके से होती है और बहुत ही छोटी सी शीशी है, जैसे कि आप देख सकते हो, और बहुत इसमें कम है, जो टैबलेट से बहुत ज़्यादा कम है, शीशी थोड़ी सी ज़्यादा ही बड़ी लग रही है, बहुत छोटी सी है और थोड़ी सी कॉस्टली भी है, क्योंकि इसमें औषधियाँ बहुत सारी हैं जो कि मिक्स है और हर किसी इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये रस से बनी है, तो रस जो होते हैं ना हमारे जो डाइजेस्ट होने में ना काफ़ी मतलब ईजी रहता है, अगर किसी का पेट ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं कर पाता चीज़ें, लेकिन ये ईजिली डाइजेस्ट हो जाती हैं टेबलेट्स, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है गाइस। आप लोग ना इसको ज़रूर से यूज़ कीजिएगा। मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स है सिर्फ वही उसी के नाम मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स तो बहुत सारे होते हैं, थोड़ा सा इनके नाम अजीब से होते हैं तो लेने में मुश्किल होगी और काफ़ी ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, तो इस वजह से मैं मेन इसके इंग्रेडिएंट्स आपको शेयर कर रही हूँ। तो इसका जो पहला इंग्रेडिएंट है रस सिंदूर नाग भस्मा, तीसरा है लौ भस्मा, चौथा है अभ्रक भस्मा, पांचवा है बंग भस्मा। तो ये सारे इसके जो इंग्रेडिएंट है 5 जो कि मेन है मैंने आपको बता दिए, बाकी ऐसे बहुत सारे हैं, उसके अंदर हम डीपली नहीं जाते हैं। मेन पर्पज़ हमारा जो है फर्टिलिटी बूस्ट करने के लिए, इनफर्टिलिटी को जो दूर करने के लिए, जो ये है टैबलेट काफ़ी हेल्पफुल है, खास करके पुरुषों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है मेल्स को तो वो इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा, दूध के साथ सुबह शाम 1-1 टैबलेट, आपको बहुत जल्दी बेनिफिट मिलेगा ज़रूर। मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। मैं मिलती हूँ आप सबको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।